राजस्थान की राजनीति में स्वर्गीय खेमराज कटारा आदिवासियों के मसीहा कहलाते थे। उनके बाद उनकी धर्मपत्नी सज्जन कटारा लगातार मैदान में हैं और वर्तमान में प्रधान है और पूर्व में विधायक भी रह चुकी है। विवेक कटारा ने पूर्व में चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हारे थे, लेकिन फिर वह मैदान में है, कांग्रेस ने उनको मौका दिया है और आज वह हमारे लेक्सिट न्यूज के खास कार्यक्रम राजनीति का चुनावी रण में हमारे साथ है। बेटा, सबसे पहले आपका लेक्सिट न्यूज में स्वागत है। आपका राजनीति करियर और शिक्षा दीक्षा किस तरह, थोड़ा सा दर्शकों को परिचित किए। शिक्षा में मेरी स्कूली शिक्षा मेडिकल जजमेंट से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, कॉमर्स कॉलेज से। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया ह्यूमन राइट्स में। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते एमबीए किया, उसके बाद मैंने पीएचडी की यहाँ से। तो जिस तरह से शिक्षा में मेरे पेरेंट्स जो है वो शुरू से उन्होंने बहुत ध्यान दिया पूरे परिवार पर, उनकी एक सोच थी कि शिक्षा तो अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा में अव्वल से अव्वल स्कूल और कॉलेज में दाखिला कराया फादर ने, ताकि एक सोच और एक विजन डेवलप हो सके अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। इसलिए उनका योजन तो हमने उस पर अच्छा दिन करके आज आपके सामने है। कहते हैं कि बचपन में किसी ना किसी का कोई ना कोई सपना होता है, आपका क्या सपना था, राजनीति में किस तरह से आया? निश्चित तौर से मेरा सपना, मैं तो एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहता, लेकिन असमय फादर साहब के गुजरने से इस चीज़ में आना पड़ा जनसेवा के। और कभी कभी नियति होती है, डेस्टिनी होती है, कुछ भी बदल नहीं सकता। तो परिवार का साथ देने के लिए, मदर का साथ देने के लिए हम भी राजनीति में आए। और उसके बाद जब जनसभा में उतरे तो पार्टी ने मौका दिया, पार्टी को यंग लोगों की ज़रूरत है और इसलिए पार्टी ने मुझे पूरा टिकट दिया और पूरी जनसेवा करने का पूरा विश्वास है, कर भी रहे और आगे इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो आपका जो पद है वो केंद्रीय नेतृत्व तक रहे हैं, वर्तमान में किन किन पदों पर आप राजनीति करने से अभी तक रहे हैं? मैंने शुरुआत अपनी यूथ कांग्रेस से की। मैं प्रदेश में महासचिव भी रहा, उसके बाद में यहाँ पे जिला का अध्यक्ष भी रहा यूथ कांग्रेस का, निर्वाचित अध्यक्ष था। उसके बाद में ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा यूथ कांग्रेस का, जिसमें मैं पश्चिम बंगाल का इंचार्ज था। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस में काम किया, जो हमारा एस टी सेल है ऑल इंडिया का, उसमें मैं मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था। उसके बाद पार्टी ने मेरी संगठन में कार्यशैली को देखते हुए मुझे 2018 में पहली बार टिकट दिया और उसके बाद पुनः अभी वापस 2023 में आपके सामने पार्टी के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रूप के आपके सामने। राजनीति का काफ़ी बड़ा क्षेत्र आप कर रहा है और क्यों मेरे विरासत में आपको राजनीति मिली, क्यों घर में फादर मदर पॉलिटिशियन थे, राजनीति गुरु अगर कहें तो आप किसको मानते हैं? निश्चित तौर से मैं राजनीति में, मैं शुरू से मैंने फादर को देखा और जो उनकी कार्यशैली थी और जो एक वो एक उनकी सोच थी अपने कार्यकर्ताओं के लिए और जिस तरह से वो लड़ते थे, तो शुरू से मैंने अपने फादर को ही अपना गुरु माना और अभी भी उनके पच्चीनों पर चल के हम इस इलाके में उदयपुर ग्रामीण के लोगों के बीच में और निरंतर सेवा में उतरे हैं। क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि आप विधायक नहीं हैं वर्तमान में, फिर भी विधायक जिस तरह से काम करते हैं, कई सारे हमने खुद ने काम देखे हैं, थोड़ी पंचायत या ग्रामीण क्षेत्र की गिरोह पंचायत, कई सारे आपने काम कराए हैं। निश्चित तौर से 5 साल में सरकार अशोक गहलोत की थी और मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2018 से लेके आज तक मैं चुनाव हारा, मैं एक भी दिन घर पर नहीं बैठा। मैंने निरंतर अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में मैंने समय बिताया और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया और अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे इलाके में कोई उनके उनके लिए कोई उनकी आवाज़ उठाने के लिए नहीं है। मैंने हमेशा अपनी आवाज़ उदयपुर के बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में, सरकारी कार्यालयों में, जयपुर में मंत्रालय में, मुख्यमंत्री के सामने, तमाम मंत्रियों के सामने बुलंदी से और मजबूत ढंग से अपने इलाके की समस्या को रखा और वो अनेकों काम करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से हमने 2 साल पहले पंचायत समिति गिरवा के सबके सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने गिरवा पंचायत समिति पे कांग्रेस का परचम भी लहराया और उसके माध्यम से अनेकों काम हमने करवाए। वर्तमान में विधायक की बात करें तो वर्तमान में भाजपा से यहाँ पे ग्रामीण विधायक है कुलसिंह मीणा, उनके कार्य को आप किस तरह से देखते हैं?
टोटल फेलियर है मैं समझता हूँ जी। अब उनकी कार्यशैली क्या है आप सब जानते हैं, मुझे मैंने बोलने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ भावना से खेलना जानते हैं, काम करने का उनका कोई जज्बा नहीं है। आज जिस तरह से लोग बात करते हैं, मैं कि आपने पिछले दिन आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग की पूरी जो कार्यशैली वो खुल के सामने आई है और हर जगह निंदा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि आज किसी को जनप्रतिनिधि जनता बनाती है तो विधानसभा में क्षेत्र की मुद्दों को क्षेत्रीय इश्यूज को उठाना सबसे प्राथमिकता है। वर्तमान में देखें तो गिरवा क्षेत्र में कई सारी पार्टियां आ चुकी है, बा पार्टी कहें या ट्राइबल भारतीय ट्राइबल पार्टी है, इसके अलावा दूसरे जो अन्य दल हैं भाजपा है, उसमें आप मैदान में किस तरह से इस बार कांग्रेस टक्कर देगी इन सबको? कांग्रेस मैं आपको कहना चाहता हूँ पार्टियाँ तो पिछले चुनाव में भी कम से कम 5-6 पार्टी चुनाव लड़ रही थी और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी थी और एसपी बीएसपी तमाम चीज़ थी, पार्टी में बदल के दूसरी आप आ गई बाप आ गई, तो ये तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में पार्टी लड़ती रहती हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा क्षेत्र में एक्टिव रहना और हमारे अशोक जी गहलोत की जो पॉपुलर स्कीम्स हैं जी, पॉपुलर जो योजना है जिससे प्रदेश का एक एक व्यक्ति जो उससे लाभान्वित हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि आज जनता का जीत जीता है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने और हमने उन योजनाओं का धरातल पर उतारा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतते हैं। भाजपा हमेशा कहती है कि कांग्रेस हमेशा समर्थन विरोधी रहेगी, इस बारे में भाजपा को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं सरासर इस आरोप को मैं खारिज करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी आपने देखा होगा राहुल जी जिस तरह से केदारनाथ की उन्होंने यात्रा की, उससे पहले लगातार वो तो केदारनाथ तो हर साल ही जाते हैं, उससे पहले वैष्णो देवी गए, महादेव के हर मंदिर में जब भारत भारत जोड़ा यात्रा चल रही थी तो कोई ऐसा धार्मिक स्थल राहुल जी ने नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने दर्शन नहीं किए हो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आज हमने आज को हर साल हम कांवड़ यात्रा निकालते हैं और वो विशाल रूप से हम निकालते हैं और जिस तरह से हमारी आज धार्मिक जो है वो आस्था है जी, कोई राम के कोई धर्म के धर्म के ठेकेदार ये नहीं है जी, हम राम के और श्री राम को हम हमेशा आगे लेके चले हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के गेट उस जमाने में खुलाए थे जब किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी, हमने कभी उसकी वो मतलब उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की जी, और हमने जो काम करना है जो जन भावना के साथ जो काम होता है उनको करना ही करना है, उसके लिए क्या बताना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा सा भी कुछ करते हैं तो इतना बड़ा छोटा के कहते हैं कि जिससे धर्म के ठेकेदार ये हो गए, बल्कि हमारे भी श्री राम में पूरी आस्था है और पूरा विश्वास है जी, और हम भी शुरू से ही बचपन से हमको जो संस्कार दिए गए हैं वो उसी तरीके हैं। राजस्थान की बात करें तो भाजपा ने राजस्थान में किसी भी सीटों पर विशेष समुदाय के उम्मीदवारों को नहीं उतारा है, वहीं कांग्रेस ने उनको मौका दिया है। देखिए ये किस तरीके चल रहा है, ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जो पूरे देश को एक विघटनकारी समाज की तरफ ले जा रहे हैं, इससे समाज बिखरने की कगार पे है। आज विशेष समाज को दरकिनार करना ये मैं समझता हूँ उचित है। आज हम धर्म निरपेक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसने सदैव आज़ादी की लड़ाई भी सभी समाजों को सभी धर्मों को साथ में लेकर चढ़ी लेके वो चले और उसी की वजह से हमको देश में आज़ादी मिली और उसके बाद जिस तरह से संविधान बनाया गया जिसमें हर धर्म जाति का जगह है, और मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म भी यही कहता है कि सारे धर्मों को सारे जातियों को आदर करके उनको आदर करके सबको साथ में रख के एक साथ चलना यही सनातन धर्म है। अभी इसको मानते हैं अभी वर्तमान में आप क्षेत्र में दौरा करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, मुख्य समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्र में गिरवा में है वो क्या क्या आ रही है? मुख्य समस्या मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले आवासीय पट्टों की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा के मैं जाता हूँ तो बहुत जगह लोग बोलते हैं कि स्कूल पर्याप्त नहीं है, पेयजल की समस्या है, तो ये सारी समस्या जो है मुख्य तौर से ये समस्या है। बहुत जगह जाते हैं तो युवा खेल मैदान की डिमांड करते हैं क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, खेल मैदान यहाँ पे कम है, तो हमारा ये आने वाले समय में यही प्रयास रहेगा कि इन चारों जो इश्यूज मैंने अभी बोले इनको एड्रेस करें और जल्दी से जल्दी इनको कराने का प्रयास करें। अभी 2-3 हमने बड़े बड़े स्कूल्स में जैसे चढ़ादा स्कूल की बात करें, आपकी बेड़वा स्कूल की बात करें, चढ़मरा स्कूल की बात करें, वहाँ हमने खेल मैदान दिए हैं, एक हमने खेल मैदान बड़ा अभी दक्षिण विस्तार में दिया है, तो ये हमारी सोच है। और इतना इस सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने RCA का 500 करोड़ का स्टेडियम जो है वो हमारे कानपुर खेड़ा में आना चाहिए, तो ये भी बड़ा हर्ष का विषय है कि आज RCA का स्टेडियम में आएगा तो कितने नए
व्यापार के और आसपास के जो लोकल एरिया है उनके लिए नए व्यापार के साधन और खुलेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जी राजस्थान की बात करें, राजस्थान सबसे ज़्यादा ट्राइबल उदयपुर जिले या संभाग में पाए जाते हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, वो डेली आते हैं डेली जाते हैं, ऐसा क्या कुछ आपकी योजना रहेगी ताकि उनको ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले, क्या कुछ फैक्ट्रियाँ उनके लिए क्या चलाएंगे आप? निश्चित तौर से मैं मेरा ये मैनिफेस्टो भी रहेगा मेरा जो खुद का है उसमें कि ऐसे लघु उद्योग हम लोग प्लान करें जिसकी वजह से हमारे जो ग्रामीण जो लोग हैं जो वो अपने क्षेत्र में रह के अपनी अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारे जो युवा हैं वो जो स्टार्टअप जो है उसके लिए सरकार की तरफ से ऐसे छोटे लोन्स दिए जाएँ जिसके जिसकी जिसकी मदद से हमारे जो नए साथी युवा साथी हैं और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो अपना स्टार्टअप कर सकें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे सरकार की उद्योग उद्योग ऐसी नीति बने जिसमें हमारे आदिवासी भाइयों के लिए और हमारे किसानों के लिए ऐसे लघु उद्योग के प्रावधान हो जिसकी वजह से वो गांव में रह के अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सके। एक सवाल पूछता हूँ कि अभी व्यस्तता वाला टाइम है फिर भी आपने इंडियन को टाइम दिया, किस तरह से समय को मैनेज कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको क्षेत्र के अपडेट भी करने हैं, इंटरव्यू भी करने हैं, उन लोगों से मिलना भी, वो समय भी कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए पहला चुनाव तो है नहीं मेरा, दूसरा चुनाव है जी, लेकिन ये सब इलेक्शन का पार्ट एंड पार्सल है जी। आपको सब चीज़ें करनी है, लोगों से भी मिलना है, प्रचार भी करना है और प्रेस मीडिया इन सबसे भी मुखातिब आपको होना है जी। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, सुबह सुबह दौरे करते हैं, दिन में गाँव पंचायतों में रहते हैं, फिर बीच में समय निकाल के मीडिया पर्सन हमारे वकील हमारे डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और प्रचार हर दिशा में हो बेहतर प्रचार हो उसमें हम लोग लगे हैं। उदयपुर की जनता के नाम जो ग्रामीण जनता उनको नाम क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैं ग्रामीण हमारे मतदाताओं को यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूँ जिन्हें एक दूर दृष्टि है, एक विजन है जिसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए आगे लाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में, शिक्षा की सुविधा में और अनेकों अनेक हमारे खेलों की सुविधा में हम लोग नए नए आयाम लाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवानों को इस बार मौका दें और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आडम्बर करते हैं उनको नहीं देखते हुए जो लोग काम करते हैं और काम करके लोगों के दिल में जगह बनाते हैं उन साथियों युवा साथियों को मौका दें ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। हम पहले ही 10 साल के कार्यकाल में हम लोग 25 साल पीछे चले गए। तो मैं मतदाताओं से यही अपील करता हूँ कि इस बार एक शिक्षित युवा को मौका दें ताकि क्षेत्र को हम एक नई दिशा में विकास की ओर ले जा सकें। धन्यवाद। तो ये थे विवेक अडारा जो कि ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने लेक सिटी न्यूज से खास बातचीत की है और ऐसे ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक सिटी न्यूज राजस्थान।